लाइव ट्रेसिंग करने वाला हूँ, सारा चीज़ मैं यहाँ पे लाइव यहाँ पे काम करूँगा फ्रेंड। तो अभी आप देख सकते हो इसमें क्या प्रॉब्लम है, मैं इस प्रॉब्लम को भी डायग्नोस करूँगा। जहाँ तक बात है कि यहाँ पे जो इसकी बीपीएच लाइन है, बीबैट लाइन है, ये सारी चीज़ को हम यहाँ पे डायग्नोस करने वाले हैं, क्या चीज़ है क्या नहीं है सारी चीज़ें। तो हम सबसे पहले मल्टीमीटर पर रीडिंग इसकी देखेंगे। फिलहाल ये फ़ोन डेड है, और जब हम इसको डीसी पे लगाएंगे तो डीसी पे क्या रीडिंग आ रही है वो सारा चीज़ हम यहाँ पे आपको दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट दिन तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और आप हमारे चैनल नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सारी चीज़ें हम आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे दिखाते हैं। तो सबसे पहले मल्टीमीटर लेते हैं, मल्टीमीटर से आपको यहाँ पे इसकी रीडिंग और इसको देखते हैं कि कंडीशन क्या बनती है। तो चलिए गाइस, मैं यहाँ पे इसकी पहले कंडीशन को चेक करा देता हूँ कि क्या पता वीबैट हमारी शॉर्ट हो, पर वीबैट आपको शॉर्ट नहीं दिखाई देगी क्योंकि यहाँ पे हमारी जो बीपीएच लाइन बनती है। तो चलिए सबसे पहले ये देखिए हमारी ग्राउंड है, और यहाँ पे जो फर्स्ट वाली पिन है यहाँ पे रीडिंग दिखाई, तो हमारे यहाँ पे प्रॉपर रीडिंग आ रही है, बीबैट की रीडिंग आ रही है। अब यहाँ पे आइए वापस, तो देख सकते हैं यहाँ पे जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे हमारा बीबैट शॉर्ट नहीं आ रहा है। अब हम डीसी में लगा के देखते हैं कि डीसी में क्या कंडीशन बनती है। तो पहले यहीं पे आइए, तो देखिए ये मैं डीसी लगाता हूँ फ्रेंड। डीसी लगाने के बाद अब हम देखते हैं कि इसमें कंडीशन क्या बनती है, ओके है, शॉर्ट है कि क्या है, कुछ एम्पियर ले रहा है कि एम्पियर नहीं ले रहा है। तो हम एम्पियर के अनुसार यहाँ पे काम करने वाले हैं। ये हमारा डीसी मशीन है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो चलिए यहाँ पे हम लगा रहे हैं, यहाँ पे दिखाइए। तो जैसे ही मैं यहाँ पे फ़ोन को लगाते हैं फ्रेंड, जैसे ही मैं यहाँ पे फ़ोन को लगाता हूँ, आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारा ये शॉर्ट बता रहा है, फुल शॉर्ट यहाँ पे बता रहा है। पर हमारी बीबैट लाइन शॉर्ट नहीं थी, मैं इसको निकाल दे रहा हूँ क्योंकि देखिए हमारी ये लाइन यहाँ पे शॉर्ट बता रही है। मतलब बीपीएच लाइन जो है फ्रेंड, यहाँ पे आइए, बीपीएच लाइन जो हमारी फ्रेंड है वो बीपीएच लाइन हमारी शॉर्ट हो चुकी है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो हम इसके अब आसपास की शॉर्टिंग चेक करेंगे कि कहाँ पे ये शॉर्ट आ रहा है, सारी चीज़ें हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं। फिर इसमें हम इसको जो शॉर्टिंग हमारी आ रही है, हमने जैसे इसमें डीसी में लगाया तो आपने देखा कि शॉर्टिंग यहाँ पे आ रही है। तो अब इसको शॉर्टिंग को हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन सा कॉम्पोनेंट शॉर्ट आ रहा है। तो हम मल्टीमीटर उठाएंगे और हम बीप की आवाज़ आप सुनिएगा। जैसे देखिए मैंने मल्टीमीटर का प्रोब रखा हुआ है, तो यहाँ पे बीप की आवाज़ आ रही है। तो हम चेक करेंगे फ्रेंड कि हमारी शॉर्टिंग जो है वो कहाँ कहाँ पर आ रही है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले हम शॉर्टिंग को चेक करते हैं। तो शॉर्टिंग के लिए हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे। तो फ्रेंड मैं यहाँ पे आप शॉर्टिंग चेक करता हूँ कि कहाँ कहाँ पे हमारी शॉर्टिंग है। तो देखिए जब हम शॉर्टिंग को चेक करते हैं फ्रेंड, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कैपेसिटर ये शॉर्ट आ रहा है, एक कैपेसिटर ये शॉर्ट आ रहा है, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी कुछ कॉम्पोनेंट जो है शॉर्ट आ रहे हैं, और बाकी यहाँ पे कहीं भी कोई भी कॉम्पोनेंट शॉर्ट नहीं आ रहा है फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा पावर सेक्शन है, यहाँ पे हमारा शॉर्टिंग आ रहा है, जैसा कि आप देख सकते हो, ये देख सकते हैं हमारे यहाँ पे शॉर्टिंग आ रहा है। और भी जगह हम चेक कर सकते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ भी हमारा जो कॉयल है, बूस्ट कॉयल, ये भी हमारा शॉर्ट आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कैपेसिटर, यहाँ भी शॉर्ट आ रहा है। मतलब इस सेक्शन में और यहाँ पे हमारी शॉर्टिंग आ रही है। जैसा आपको आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पे कॉम्पोनेंट लगा है, यहाँ भी शॉर्ट आ रहा है। मतलब ये जो सेक्शन है पूरा हमारा शॉर्ट आ रहा है। अब हम इसमें रोजन अप्लाई करेंगे, रोजन अप्लाई करने के बाद आपको शॉर्टिंग भी दिखाएंगे कि शॉर्टिंग कैसे आप फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि सेकेंडरी लाइन में शॉर्ट है हमारी, प्राइमरी लाइन में शॉर्ट नहीं है। कि सेकेंडरी लाइन शॉर्ट है हमारी, बीपीएच लाइन शॉर्ट है। अब बीपीएच लाइन शॉर्ट को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, सारी चीज़ें हमने यहाँ पे चेक करके दिखाया कितने सारे कॉम्पोनेंट पर यहाँ पे शॉर्टिंग आ रही थी। अब हम यहाँ पे रोजन अप्लाई करने वाले हैं, रोजन अप्लाई करके आपको हम सारी चीज़ यहाँ पे दिखाएंगे। तो हम यहाँ पे रोजन अप्लाई कर रहे हैं फ्रेंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे जहाँ जहाँ हमारी शॉर्टिंग आ रही थी, हम वहाँ वहाँ पे रोजन अप्लाई करेंगे। बाकी जो एक रोजन का पेन आया था, आप वो मत यूज़ करिएगा, जो कि काफ़ी सारे आपने रिव्यू भी देखा है, जब हमारा काम आयरन से हो जाता है सारी चीज़ें। तो देखिए फ्रेंड, जहाँ जहाँ पे हमारी शॉर्टिंग आ रही थी, हम वहाँ पे रोजन अप्लाई करेंगे। ये आपको एक शॉर्टिंग की क्लास भी मिल जाएगी, शॉर्टिंग वीडियो भी मिल जाएगा। अब ये देखना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि हमारा ये फ़ोन डेड है फ्रेंड। मैं आपको बता दूँ डेड फोन पे हम काम कर रहे हैं, यहाँ पे ओप्पो A5 2020। बाकी ये शॉर्टिंग के भी सेक्शन को आप यहाँ पे ले सकते हो। तो देखिए जहाँ जहाँ पे हमारा फ्रेंड आ रहा था, हमने वहाँ पे फ्रेंड मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, सारी चीज़ें यहाँ पे रोजन को अप्लाई कर दिया है। अब रोजन को अप्लाई कर दिया है फ्रेंड, अब एक चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि जहाँ पे इसकी शॉर्टिंग होगी वो हाईलाइट हो जाएगा। तो एक शॉर्टिंग का फॉर्मूला भी आपको सेकेंडरी लाइन, क्योंकि हमारी जो पूरा यहाँ पे जैसे हमने डीसी को लगाया था फ्रेंड, तो हमारा ये एम्पियर कंज्यूम कर रहा था, शॉर्टिंग बता रहा था। तो अब मैं फिर से अप्लाई करूँगा और यहाँ पे आपको करके दिखाऊंगा। देखिए अभी भी सब यहाँ पे वाइट दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने इस पर रोजन अप्लाई कर लिया है। अब यहाँ पे हम करेंगे यहाँ पे पूरा 4 वोल्ट। बाकी हम यहाँ पे सेकेंडरी वोल्टेज हमारे यहाँ शॉर्ट है, तो हम यहाँ पे भी 1.8 अप्लाई कर सकते हैं, बट अभी हम यहाँ पे 4 वोल्ट इंजेक्ट कर रहे हैं सीधा बीबैट पे, और देखते हैं कि कहाँ पे हमारी शॉर्टिंग वो आ रही है। तो चलिए हम बैटरी कनेक्टर को लगाते हैं यहाँ पे डीसी पे। तो जैसे हमने लगाया फ्रेंड, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जो शॉर्टिंग हुई, सबसे पहले आपको एक हाईलाइट हुआ होगा। मैं फिर से एक बार आप बोलेंगे तो मैं यहाँ पे दिखा दूंगा। तो मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे जो एक कॉम्पोनेंट था,
डायोड, यहाँ पे ये लाइट सेक्शन का हमारा डायोड है, जैसे कि हमारे देख सकते हैं यहाँ पे वो हाईलाइट हो गया, मतलब ये हाईलाइट हो गया, पॉपअप हो गया। अब हम इसको लाइव ही निकालेंगे, फिर देखेंगे कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं होता है। तो इस कॉम्पोनेंट को हम फ्रेंड रिमूव करते हैं और आपको फिर यहाँ पे दिखाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं इस कॉम्पोनेंट को रिमूव कर रहा हूँ, जो कॉम्पोनेंट हमारा यहाँ पे हीट हो रहा था, उस कॉम्पोनेंट डायोड है, बेसिकली लाइट का डायोड है, तो हम इस डायोड को रिमूव कर रहे हैं फ्रेंड। तो इस डायोड को मैं लाइव ही आपके सामने काम कर रहा हूँ, सारी चीज़ें यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो, इस डायोड को आप रिमूव कर लेंगे बहुत इजी तरीके से। कोई भी फेक वीडियो मैं नहीं बनाता अपने चैनल पे, जो भी है हम जेन्युइन वीडियो बनाते हैं फ्रेंड अपने चैनल में, कोई भी फेक वीडियो हम अपने चैनल में नहीं बनाते हैं। तो इस डायोड को हम रिमूव करते हैं। ये देखिए इस डायोड को हमने रिमूव कर दिया इजली। अब उसके बाद थोड़ा सा पीसीबी को ठंडा होने देंगे और उसके बाद क्लीन करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। नहीं हुआ तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। और बाकी यहाँ पे आप सॉर्टिंग की क्लास भी देख सकते हो कि सॉर्टिंग हमने कैसे रिमूव किया, सॉर्टिंग हमने सेकेंडरी लाइन को कैसे फाइंड आउट किया, ये भी आपको एक पता चल जाएगा कि सॉर्टिंग सेकेंडरी लाइन को हम सॉर्टिंग कैसे रिमूव करते हैं। तो बेसिकली अब इसको हम करेंगे क्लीन, यहाँ पर हम क्लीन करेंगे इसको। और क्लीन करने के बाद फिर से चेक करेंगे, ये देख सकते हैं हमने यहाँ पे डायोड को निकाल के रखा हुआ है। ये डायोड अगर आपको दिखाई दे यहाँ पे, अब फिर से हम इसको डीसी में कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि क्या कंडीशन बन रही है, कि शॉर्टिंग हमारी गई कि नहीं गई, क्योंकि लाइट का डायोड है। यहाँ पे आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँ, ये डायोड है लाइट का, ये डायोड है यहाँ पे। इस लाइट को डायोड को आपको लाइट डायोड को चेंज ही करना पड़ेगा, तब जाके आपका लाइट सेक्शन भी ओके होगा, नहीं तो लाइट सेक्शन भी नहीं आएगा। तो चलिए हम फटाक से डीसी से फिर से कनेक्ट करते हैं फ्रेंड। और ये देखिए मैंने डीसी को लगाया और यहाँ पे देख सकते हैं अभी भी हमारी कंज्यूम ले रही है, देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी हमारा शॉर्टिंग बता रहा है यहाँ पे। तो फिर से एक बार हम रोजन अप्लाई करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं फिर से, चलिए ठीक है मैं फिर से दिखाता हूँ, फिर से हमारी यहाँ पे कंज्यूम हो रही है। तो यहाँ पे हम फिर से क्या करेंगे फ्रेंड, यहाँ पे थोड़ा सा रोजन और अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि हमारी कहाँ पे और भी शॉर्टिंग है आगे। तो चलिए हम फटाक से फिर से रोजन अप्लाई कर देते हैं। हमने यहीं पे फिर से अप्लाई कर रहे हैं, रोजन अप्लाई कर रहे हैं और बी बैट पे फिर से रखेंगे और देखेंगे क्या एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि एक डेड फोन है और डेड फोन पे हम लाइव ही काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड की कोई भी फेक वीडियो है, जो भी है जेन्युइन वीडियो है, मैं आपके सामने जेन्युइन वीडियो ही लाता हूँ। ये मैंने लगा दिया यहाँ पे, तो फिर से अप्लाई करते हैं फ्रेंड। इसके बाद लगता है हमारी जो पीएम आई है वो हो सकती है शॉर्ट, ये देख सकते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं तुरंत हाईलाइट हो रही है हमारी जो पीएम आई है फ्रेंड। इस लाइट डायोड को भी हम चेक कर लेंगे कि शॉर्ट है कि नहीं है, हमने उस पर साइड रखा हुआ, पर यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जो पीएम आई है वो भी हिट हो रही है। जैसे हमने यहाँ पे 4 वोल्ट को अप्लाई किया है वैसे हमारी पीएम आई हिट हो रही है, मतलब हमारी जो पीएम आई है वो भी हमारी शॉर्ट है। तो हम इसको बेसिकली निकालेंगे और उसके बाद फिर से चेक करेंगे कि हमारी शॉर्टिंग जाती है कि नहीं जाती है। तो चलिए हम इस पीएमआई को भी रिमूव कर देते हैं फ्रेंड और देखते हैं कि हमारा शॉर्टिंग जाता है कि नहीं। डायोड के बाद बना तो फ्रेंड हमने इसको निकाल दिया है बेसिकली। अब उसके बाद क्लीन करके ये चेक करेंगे कि इसकी शॉर्टिंग रिमूव हुई कि नहीं हुई, शॉर्टिंग गई कि नहीं, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो हमने इसका ये डायोड और ये यहाँ पे दोनों ही कॉम्पोनेंट को हमने निकाल के रखा हुआ है बेसिकली। दोनों ही डायोड को जो हमारी शॉर्टिंग आ रही थी दोनों डायोड को हमने निकाल दिया और इसको क्लीन करेंगे और फिर चेक करेंगे कि हमारी जो शॉर्टिंग थी वो रिमूव हुई कि नहीं हुई फ्रेंड। तो चेक कर लेते हैं बेसिकली ये जो शॉर्टिंग है हमारी, शॉर्टिंग देख लेते हैं हमारी शॉर्टिंग रिमूव हुई कि नहीं हुई। तो चलिए फिर से डीसी लगाएंगे और डीसी में आप दिखाइएगा कि हमारी जो सॉर्टिंग थी वो क्लियर हुई कि नहीं हुई। थोड़ा सा हीट है, फिर डीसी में दिखाइएगा। इसमें पहले लगा दीजिए फिर डीसी में।
तो फ्रेंड ये हमने पीएमआई को निकाल दिया है। अब हम फिर से लगाएंगे डीसी की रीडिंग चेक करेंगे कि जो हमारी सेकेंडरी लाइन शॉर्ट आ रही थी वो एक्चुअल में शॉर्ट आ रही कि नहीं आ रही। तो चलिए हम यहाँ पे लगाते हैं यहाँ पे, और ये देख सकते हैं हमने यहाँ पे अभी नहीं लगाया, ये देख सकते हैं लगा दिया, यहाँ पे कोई भी रीडिंग कंज्यूम अब नहीं कर रहा है। तो बेसिकली जो हमारा शॉर्ट था, जो फाइनली इसका जो रिजल्ट था फ्रेंड, यहाँ पे हमारी जो एक डायोड और यहाँ पे हमारी पीएमआई शॉर्ट थी, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो। तो इस पीएमआई और इस डायोड को इधर दिखाइएगा, मतलब फाइनली रिजल्ट ये निकला कि हमारा जो सेकेंडरी लाइन शॉर्ट था, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये हमारा जो पीएमआई है और हमारा जो डायोड था, हम इसको चेंज करेंगे तो हमारा ये फ़ोन ऑन हो जाएगा, क्योंकि जो शॉर्टिंग थी अब हमारी कोई भी शॉर्टिंग नहीं आ रही है। हमने यहाँ पे डीसी में लगा के आपको दिखाया। तो आइए, अभी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।